हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। इधर देखिए, इतनी माताएं बहनें शक्ति स्वरूपा आज मोदी को आशीर्वाद दे रही है। ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति के मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी को ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। शक्ति स्वरूपा एक बेटी शक्ति का रूप धारण करके मुझे आशीर्वाद देने आई है। उधर भी एक बेटी देखिए, शक्ति स्वरूपा बन के मुझे आशीर्वाद देने आई है। और इधर देखिए, इतनी माताएं बहनें शक्ति स्वरूपा आज मोदी को आशीर्वाद दे रही है। अभी कल मुंबई में इंडी एलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी एलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है, मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश
अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी एलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं।